नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हम लोग फिलहाल मध्य प्रदेश के जिला मंडला में हैं। बहुत खूबसूरत जिला है, हरा भरा जिला है और यहाँ के न्यायालय, यहाँ के जिला और सेशन न्यायालय में हम हैं। और इस न्यायालय का नाम जो है वो बहुत बढ़िया, जिस जगह पे है ये नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इस न्यायालय के बाहर जो एक बोर्ड लगा हुआ उस पर लिखा हुआ है कचहरी घाट। तो कचहरी जो हमारी शब्दावलियों में बहुत सदियों से मौजूद है कि कचहरी, और जिसको मुग़ल शासन के समय से ही जो न्यायालय होते थे उनको कचहरी कहा जाता था, ये कचहरी घाट है। इसके न्यायालय के उस तरफ जो है रेवा जी या नर्मदा जी बहती हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ हमारे वकील दोस्त हैं जिनसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, किस मुद्दों पे मंडला में चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या नाम है सर आप? आशीष त्रिपाठी। आशीष जी, कैसा यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? अभी तो कोई भी प्रत्याशी दमदार नहीं है, चाहे चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह डिफीट में है। डिफीट में ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो फगन सिंह कुलस्ते की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दो बार MOS रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं केंद्र सरकार में, लंबे समय से यहाँ जीते आए हैं और बीजेपी का आदिवासी चेहरा माने जाते हैं सूबे में, तो इनका कैसा रहा है कार्यकाल यहाँ पे? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। दो बार ये राज्य मंत्री रह चुके, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, इन्होंने मंडला जिले के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। एक उपलब्धि ये स्वयं बता दें मुझे और क्षेत्र की जनता को बता दें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हो सकता है सुधार। अच्छा, आपका कहना है कि उनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा है, क्या नाम है आपका? सचेंद्र सराप। तो कैसा रहा है कुलस्ते जी का कार्यकाल? देखिए, उनका कार्यकाल बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है। मंडला की स्थिति इतनी बिगड़ है आज के समय में, चाहे हॉस्पिटल शिक्षा ले लें, चाहे चिकित्सा ले लें, चाहे परिवहन ले लें, मंडला ग्रीनरी से भरा हुआ है, पर्यटन का अच्छा सा, लेकिन वहाँ यहाँ पर ना पर्यटन को बढ़ावा मिला। वो राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्हें ना मंडला ज़िले की चिकित्सा के लिए कोई सुविधा उन्हें प्रदान नहीं किए। मंडला जबलपुर रोड दसों साल से बन रही, आज हम इस इतनी अत्याधुनिक समय में आ गए हैं, लेकिन मंडला जबलपुर रोड का काम देख के हमें लगता है जैसे हम सन 60 में चल रहे हैं। आपका ये कहना है कि रोड की कनेक्टिविटी बहुत नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत बदतर हैं, क्या हाल चाल है स्वास्थ्य की सेवाओं के यहाँ पे? हॉस्पिटल वगैरह का क्या हाल चाल? बहुत दुर्दशा है यहाँ पे हॉस्पिटल की। सोनोग्राफी कराने के लिए और एक एक्सरे कराने के लिए लोगों को जबलपुर जाना पड़ता है और लोग यहाँ पे 108 एम्बुलेंस के हाल आप देखेंगे कि मरीज को यहाँ से जबलपुर ले जाने में 4 साल से रोड बन रही है, आज तक नहीं बनी है और वो रोड के इतने बुरे हाल है कि मरीज रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक ला कॉलेज था वो भी बंद हो गया है, यहाँ वकील आना 2 साल से बंद हो गए हैं और कोई भी कॉलेज, उन्होंने 28 साल इन्होंने सांसद रहे हैं, एक भी कॉलेज इन्होंने नहीं खुलवाया, एक उद्योग नहीं खुला है यहाँ पे और पूरे मंडले की ऐसी तैसी इन्होंने कर दी। और 28 साल बाद ये पुनः विधानसभा में 5 टिकट इन्होंने मांगी थी जिसमें इन्होंने, इनके भाई बहुत बड़े अंतर से भी हारे थे और इस बार पुनः इन्होंने अपने लिए टिकट मांगी है और आदिवासी नेता है, लेकिन इतना है कि यहाँ मंडला में आज तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें पुनः सांसद के रूप में जिताया जा सके। इनका जो कार्यकाल है, आप लोग ज़्यादातर हमको ये स्वर सुनने को मिल रहे हैं कि लोग इनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, कोई ऐसा भी है जिनको ये लगता है कि फगन सिंह कुलस्ते का जो कार्यकाल है उसमें कुछ काम हुआ है? दादा, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? ये मेरे वकील साहब, उनसे मेरे वकीलों से आप भी तो बोल सकते हैं ना, वोट तो आप भी डालेंगे ना, वकीलों ने ही थोड़ी जिम्मेदारी डालेंगे। हाँ, कैसा लग रहा है कि अभी कैसा रहा है सांसद जी का कार्यकाल? अच्छा है। अच्छा है, क्या क्या काम करा है उन्होंने अभी तक? तो ऐसा है कि जितना शासन से आदेश हुआ वो हिसाब से कराया, जितना करा था का। अच्छा, जितना करा था का उतना करा पाया, तो उसके मन की तो नहीं, शासन के आदेश के अनुसार से काम होता है। शासन के आदेश के अनुसार तो शासन तो वो खुद ही है ना, मतलब उनको कौन आदेश? अब ऐसा कि वो सांसद है, आदेश जो ऊपर से होता है वहाँ से सब होता है। अच्छा, तो मंत्री भी रहे? मंत्री भी रहे, लेकिन यहाँ पर तो ये वकील साहब बहुत बता रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल स्वास्थ्य की सेवा ही नहीं है, मतलब सोनोग्राफी जैसी बुनियादी मशीन ही अगर आपके ज़िले में नहीं है तो ये तो सोचने की बात है। ख़ासतौर पर वो जब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, मतलब राज्य मंत्री रहे हैं स्वास्थ्य के, तो ऐसी स्थिति में तो आपको नहीं लगता कि गड़बड़ है? नहीं लगता, लेकिन भाई ऊपर से जैसा आदेश हुआ उनका ऐसी शांत हो गया। ऊपर से कौन आदेश दे रहा है? कुछ करने को सोचा तो पहले से उसका आदेश खत्म हो गया कि आप ऐसा हो गया तो क्या करे वो? ये आपको किसने बताया आदेश खत्म हो गया, कहाँ मतलब जानकारी? पार्टी से अलग अब कहो गए इन्हें, यहाँ से उसे मंत्री से, मंत्री पद से तुम अलग कर दिए। लेकिन तो 2.5 साल तो मंत्री रहे ना वो, लेकिन अब जितना भाई जितना रहा उनका कार्यकाल उतना किया उसने।
जितना उनका कार्यकाल रहा किया। आपका क्या नाम है? देखो मैं तो कुलस्ते का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं तो मात्र नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करूंगा। ये यहाँ पे मात्र पार्टी बेस पे नहीं चल रहा है, ये यहाँ पे एक प्रत्याशी चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आज जो देश की जो स्थितियाँ उस हिसाब से नरेंद्र मोदी ही आवश्यक है, इसलिए कमल को ही हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आप लोग कैंडिडेट यहाँ पे जो स्थानीय कैंडिडेट हैं उसके ऊपर नहीं, जो केंद्र मेरे को प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं, हम तो मात्र केंद्र में गवर्नमेंट कैसी बनना चाहिए इसलिए हम नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप भी वकील हैं? हाँ हाँ, मैं एडवोकेट हूँ और मैं 28 साल से वकालत कर रहा हूँ। वकालत करें तो आपको क्या लगता है कि सांसद, एक जो सांसद हम लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं, उसका क्या बुनियादी काम होता है? बुनियादी काम बहुत होता है यहाँ पे, सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहलाती है, परंतु ये आदिवासी जिला है और दूसरी कंडीशन ये है, 25 आज मान लो कुलस्ते रहा यहाँ सांसद, 50 वर्ष तो यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस ने क्या किया? तो जितना कुलस्ते ने किया है वो पर्याप्त है, और जो आने वाले कल में होगा वो भी पर्याप्त रहेगा। लेकिन आपका ये कंसर्न है कि केंद्र में जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, उसके लिए आप चाहे कुछ जो भी कैंडिडेट हो उसको वोट दे देंगे, ये आपका नजरिया है, दुरुस्त है। आपको क्या लगता है केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार कैसा काम? सिर्फ हमारा ही उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आपका एक ही उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी, कैसा कामकाज किया नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, उसके बराबर अभी तक कोई, जैसे अपना ये हमला हुआ था पाकिस्तान करवाया था आतंकवादी के, तो उनका तुरंत जवाब उन्होंने दिया है। अच्छा। ऐसे नरेंद्र जी जैसे अभी तक कोई प्रधानमंत्री ने ना होने का है। आपने स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुना है? सुना है हमने। क्या होता है स्वच्छ भारत? साफ सफाई से अपना देश स्वच्छ रहेगा, उसमें स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा। तो आपके घर पे शौचालय है? शौचालय है, पहले से था कि अभी बना है? अभी नरेंद्र मोदी द्वारा जो दिया वो बना हुआ है। कितने लोग जो हैं, कितना रुपया मिल रहा है आपको शौचालय बनाने, कितना रुपया मिल रहा है? अभी 12,000 जो दिए थे उसमें बना हुआ आपके घर पे पहुंचा है? पहुंचा। अच्छा, और उज्ज्वला सिलेंडर मिला आपको? हाँ बिल्कुल, सिलेंडर भी मिला है, उज्ज्वला सिलेंडर बिल्कुल मिला है। आप तक जो है केंद्र की योजनाएं पहुँच पा रही है, बढ़िया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मैं सौरभ राज कुशवाहा लिखता हूँ। अच्छा सौरभ राज कुशवाहा जी, आप कैसा मूल्यांकित करते हैं नरेंद्र मोदी का पिछला 5 साल? सर मैं एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी आज अपने अस्पताल की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, मंडला और जबलपुर मार्ग बहुत ज़्यादा खराब है, इतना ख़राब है कि आपको निवास से घूम के हुए जाना पड़ेगा। आज जो व्यक्ति बोल रहा है फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने काम किया है, एक भी कार्य वो गिना दें। उज्ज्वला योजना मानता हूँ, आज व्यक्ति को आप सिलेंडर दे दीजिए, वो व्यक्ति जब सिलेंडर भरवा ही नहीं पाएगा तो उज्ज्वला योजना का मतलब क्या? वो सिलेंडर बिक के आज कहाँ पे आ रहे हैं? मार्केट में आ रहे हैं। आपको मार्केट में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मिल जाएंगे। आज व्यक्ति को आपने पक्का मकान बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, जो उनको राशन मिल रहा है गरीबी रेखा का, जो उनका कार्ड था वो एक टाइम में निरस्त हो जाएगा, फिर व्यक्ति क्या करेगा आप बताइए? तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो कि एक सही राजनीति लेकर आए। आज आप हमारे अस्पताल में चले जाइए, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एक न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है सही, कि अगर अस्पताल में अपन मान लें तो एक भी डॉक्टर अच्छा नहीं मिलेगा आपको। यदि आपको किसी महिला, कोई गर्भवती महिला है और उसको सोनोग्राफी कराना है, तो उसको या तो नैनपुर जाना पड़ेगा या तो जबलपुर जाना पड़ेगा, और जिस दिन उसकी डिलीवरी रहेगी यहाँ पर मैडम उपलब्ध नहीं रहती। मेरे यहाँ खुद के यहाँ डिलीवरी हुई थी, यहाँ मैडम उपलब्ध नहीं थी, मैं उसको ले आके प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, ये मेरी खुद की दुखद स्थिति रही। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति आए, आप जिस भी प्रत्याशी को वोट दें, ऐसे प्रत्याशी को वोट दें कम से कम वो स्वास्थ्य सेवाएं तो उपलब्ध करा सकें। अच्छा। जी हाँ, यहाँ भी हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को थोड़ा सा मंडला में खस्ता हाल है। दादा क्या नाम है आप? बोलना नहीं सीखा। बोलो पंडित जी, तो बोलो। मेरा प्रमोद कुमार मिश्रा। कैसा क्या कार्यकाल कैसा रहा पिछले सरकार ने, आपके वादों आपकी उम्मीदों में कितना खरा उतरी? हमारी उम्मीद में तो सरकार पूर्णतः खरा नहीं उतरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो योजना वो लागू करती है वो योजना का यहाँ आते आते तक 1 रुपया या 10 पैसा आ पाता है, सब कर्मचारी और खा जाते हैं भ्रष्ट कर्मचारी। आपको किस योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, हमको तो किसी योजना का लाभ भी नहीं मिला आज तक, किसी योजना का लाभ। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हमको हमारा गरीबी रेखा में हमने अप्लाई किया भी, बाकी हमारा गरीबी रेखा में नाम ही नहीं है, तो कौन सी योजना का हमको लाभ मिलेगा? अच्छा, गरीबी रेखा में नाम नहीं। आपके घर पे शौचालय है?
हमारा खुद का बनवाया हुआ शौचालय है। आपका खुद का बनवाया हुआ शौचालय, उज्ज्वला सिलेंडर वगैरह मिले आप? नहीं कुछ नहीं, सिलेंडर नहीं। हम्म, आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं यहाँ कोर्ट में प्राइवेट लिपिक हूँ। अच्छा, प्राइवेट कोर्ट में काम करते जी। तो कितना कमा लेते हैं महीने का? वही महीने का वही 4-5 हज़ार रुपया बस। 4-5 हज़ार। और ये भ्रष्ट कर्मचारी कहते हैं कि तुमको बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि गरीबी रेखा में उसका नाम आता है। मेरा विचार है कि जो पटवारी आरआई तहसीलदार को रुश्मत देता है उसका नाम आता है, और सरपंच को, और अपन रुश्मत देना आज तक सीखा नहीं। अच्छा। ना अपन किसी को देते ना दबते। अच्छा। और अपने देश की ये बदतर स्थिति है कि यहाँ जो रुश्मत देगा उसी का काम आगे बढ़ेगा। हाँ, भ्रष्टाचारी अति है। तो इसे मेरा तो ये मत है कि ऐसे भ्रष्ट मैं प्रधानमंत्री या विधायक या संसद को मत ना दिया जाए, कोई अच्छा व्यक्ति को चुना जाए। तो अभी जो दो कैंडिडेट हैं आपके यहाँ से, आपको आपको लगता है दोनों में से कोई एक भी ऐसा है जो, मतलब ये लगता है दोनों नालायक हैं, लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फग्गन सिंह तो कम से कम 20 साल रह चुका, उसने कोई काम नहीं किया। और ये कमल सिंह खड़ा हुआ है कांग्रेस से, इसको तो कोई जानते ही नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे फिर आने वाले? नोटा भी एक होता है जिसमें आप किसी को वोट नहीं। तो अपनी इच्छा से चुनाव में हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे, आपका खुद के व्यक्तिगत चुनाव है ना, लेकिन आपको ये लगता है कि जो उम्मीदवार जो हैं वो आप, मतलब दोनों ही योग्य नहीं है? दोनों ही योग्य नहीं है। अच्छा, तो आपने कभी ये सोचा है गंभीरता से कि आपको नोटा को भी वोट दे सकते हैं? हाँ, मैं तो सोचा, बहुत सोचा कि मेरे को किसको देना है, बाकी मैं दे मत अपना उपयोग करता हूँ, बाकी अभी वो सफल नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा है देश में, और मंडला जिला में तो सबसे ज़्यादा। आदिवासी आपको कैसा लग रहा है, कैसा क्या काम हुआ? सर, हमारे मंडला जिला में आदिवासी क्षेत्र है, और मोदी सरकार की लहर में कुछ भारत है, हमारे विचारों में बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि हम इतने वर्षों तो देखे कांग्रेस जी की, मतलब दुर्योधन पार्टी है जी, और दुर्योधन पार्टी जो होती है वो तो मेरा मेरा करके पूरी सत्ता को बदल देती है। आज मोदी सरकार आने से हमको बहुत ऐसा लाभ हुआ, जो गरीब जो शूद्र वर्ग थे, ओबीसी वाले थे, उनके इतने तो जी तो सकते हैं, कम से कम मोदी ने कम से कम एक लहर मान के एक गरीबों को जो, मतलब मजदूरी करने वाले मकान ही बना सकते थे, आज मोदी 2.5 पत्ती लगा रखा हमारे को जीने की कला तो सिखाया। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र में जो ऐसी सत्ता सत्य राज बैठे, जो सत्य के पूरे भ्रष्टाचार बड़े बड़े जो बैठे हैं डीलर, इनको समाप्त कर देना चाहिए। और हमारा निवेदन है कि मोदी जब तक रहेगा तो ऐसा है कि भारत की लहर और भारत का जो स्वच्छ अभियान जो चल रहा है, विचारों से, मानव में नहीं है, विचारों से जो सत्ता बदल रही है उससे में हमको मतलब प्रॉफिट और लाभ में, क्योंकि ज्येष्ठ रोबिस जी के बीच में संवाद आज भी चल रहा है सत्ताधारी में। मतलब मैं समझा नहीं, क्या आप क्या कहना है? जो ओबीसी का मतलब जो होता है, एक गरीब होता है, जो जात प्रथा में हम लोग कानून को नहीं समझ पाते, और हम लोग कानून शिकंजे में आ जाते हैं, कितनी धाराएं लग जाए ये कुछ नहीं मालूम। आज मोदी सरकार उसमें संशोधन करके कुछ तो हमको लाभ मिल रहा है। क्या संशोधन किया मोदी सरकार? संशोधन किया है कि एक तो हमको जीने की कला सिखाया मोदी ने। कैसे सिखाई जीने की कला? मोदी ने जीने की कला जी सिखाया कि तुम एक गरीब नहीं हो, तुम महान हो, और अपनी बाहों बल से तुम जीत सकते हो, अपने स्वच्छ अभियान से आप चलिए, और हम जो मन मन से अपने राजा को चुन करके उसको वोट दीजिए। अच्छा, जो आप बार बार स्वच्छ अभियान कह रहे हैं, क्या है स्वच्छ अभियान? स्वच्छ अभियान जी है, एकदम सुंदरता, किसी तरह से कोई भ्रष्टाचारी नहीं, एक व्यक्ति जो राजसत्ता में बोल रहा है उसका सहमत देते हुए आगे मतलब प्रचार होना चाहिए। आप कहाँ से जानकारी मिली है स्वच्छ अभियान ये है? ये क्या है सर, हम एक संत लैन भी हैं, और इसमें का अनुभव होता है हमको, और अनुभव होने से कोर्ट कचहरी से हमको मार्गदर्शन मिलते रहता है, इस वजह से सब तमाम चीज़ें जानकारी है। क्या नाम हुआ? महेंद्र कुमार यादव जी। अच्छा, ये महेंद्र कुमार यादव जी हैं, इनका आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा कर रही है जो स्वच्छता अभियान, तो कितना आपके हिसाब से ये जो आप बता रहे हैं स्वच्छता अभियान कितना सफल रहा है? सर, अभी तो कहा कि अभी हमारे मंडला जिले में आदिवासी कारण से मतलब कुछ ये ढकल गया, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे अपने भारत में मोदी का लहर आज भी अंदर से बाहर भी चल रही है, लेकिन गरीब लोग कुछ कहा कि पैसा लोभ लक्ष्य में पार्टी बदल में उनको अनुभव नहीं हो पाता, इस कारण से पार्टी छोड़ हो जाती है। अच्छा, तो आप जो नरेंद्र मोदी जो आपकी जीवन जीने कला जो आपको सिखाई, आप दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे? जी 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 जी,
कि मन मन की बात है, मोदी किसी पक्ष में नहीं, ना कोई राजनीति है, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलते 0.5 एक माली गरीबों को एक 0 बैलेंस में पहले खाता खुलाया और खाता खोला उसमें पैसे डाला, जिस वजह से मोदी हमारा जय जय का नारा होना चाहिए, जय जय की होना चाहिए। ये हमारे साथ महेंद्र सिंह जी थे, जिनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने जीवन जीने की कला सीखी है। हम लोग इसी तरीके से आपको चुनाव के ढेर सारे रंग दिखाते रहेंगे, आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। मेरा नाम है विनय सुल्तान और कैमरे के पीछे हैं राशिद। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।